पुलिस पेंशनर भी बनेंगे अब विभाग के आंख और कान। सभी को अगले 24 घंटे में ECLG व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ने हेतु दिए निर्देश। SSP हरिद्वार की फिर एक नई पहल। जी हां, घर बैठे होगा अब समस्याओं का समाधान। अधिक जानकारी के लिए आइए बात करते हैं SSP हरिद्वार अजय सिंह से। हमारे पुलिस जो पेंशनर्स हैं, चाहे किसी भी रैंक के हो, एक एसेट के रूप में है, क्योंकि जो उनका वास्ट एक्सपीरियंस 30-35 साल विभाग में काम करते हैं और कहीं ना कहीं हर जनपदों में उनका निवास स्थान है। तो इसी तरह हरिद्वार के ऐसे करीब हमारे पास 150-200 की लिस्ट है, जिसमें 80-90 लोग लगातार सक्रिय भी रहते हैं, पुलिस से इंटरेक्शन भी चाहते हैं। उन्हीं की रिमांड पर एक रखा गया था, एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें अब सारे पेंशनर्स को अब हम एक जो हमारा ग्रुप बना रहे हैं, एक हमारे हेल्प डेस्क भी बना रहे हैं, चूंकि उनके जो पेंशन प्रकरण होते हैं या मेडिकल प्रकरण होते हैं, उसमें उनको दिक्कतें आती हैं, उसको देखते हुए हम ग्रुप बना रहे हैं जिसमें पेंशनर्स जुड़ जाएंगे। उसमें डेडिकेटेड हमारे 2-3 लोग स्टाफ जो रहेंगे, जो लगातार उनसे इंटरेक्शन भी करेंगे और उनकी उनकी समस्याओं को सुनेंगे भी, जो हमारी पेंशन रिलेटेड है। साथ ही साथ चूंकि एक आईज एंड ईयर्स करके है कि हमारी जब पुलिस में काम किया तो एक अलग नजर और सोच होती है, तो जहां वो क्षेत्र में निवास रहता है, अगर कोई उनको सूचना मिलती तो तत्काल कैसे हम तक शेयर कर पाए। और ECLG का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप है, हम हर थाने पर मीटिंग करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिकली हम किसी ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य ग्रुप से उनको जोड़ेंगे, और भी अन्य लोग को जो सामाजिक लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, पुलिस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं ट्रैफिक को लेकर, और वो थाने स्तर पर जुड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं का आदान प्रदान और समाधान को बताएंगे। साथ ही साथ पुलिस के लिए एक तरह से समझे, जो पहले मुखबिरी सिस्टम था, लोग बताते थे कहीं ना कहीं, तो उनका नाम भी गोपनीय रहेगा और वो सूचनाओं का आदान प्रदान के लिए ECLG करके एक ग्रुप हम फॉर्म कर रहे हैं, उसमें हम इनको भी जोड़ रहे हैं।